दोस्तों, आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठता होगा कि गैलेक्सी क्या है। गैलेक्सी शब्द ग्रीक भाषा से ली गई है। इसका मतलब होता है आकाश गंगा। दोस्तों, यह कॉन्सेप्ट सबके लिए है, तो आज हम आपको गैलेक्सी के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम रात में आकाश में अनगिनत चमकीली छोटी छोटी वस्तुओं को देख सकते हैं। इनमें ज़्यादा टिमटिमाती नज़र आती है, ये सितारे हैं। और अन चमकीली वस्तु जो टिमटिमाती नहीं प्रतीत होती है, वे ग्रह हैं। आप तारे और ग्रह में अंतर समझ गए होंगे। दोस्तों, अब यह जान लीजिए कि आकाशीय या खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। आकाश में सभी वस्तु जो हमारे समान दिखाई देती है, वे आकाशीय पिंड है। सूर्य, तारे, चंद्रमा, ग्रह और अन्य वस्तु सभी आकाशीय पिंड है। जो जानकारी जानकर आपको हैरानी होगी कि हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, वे एक खगोलीय पिंड या आकाशीय पिंड। दोस्तों, हमें गैलेक्सी के बारे में जान लेने से पहले हमें अंतरिक्ष के बारे में ज़रूर जान लेना चाहिए। आकाश में हम जो तारे और ग्रह देखते हैं, वे विशाल अंतरिक्ष में बहुत छोटे हिस्से हैं जो असीम है। विशाल अंतरिक्ष में अरबों खगोलीय पिंड फैले हुए हैं। वे हमसे बहुत दूर हैं, इसलिए हम उन्हें सभी को देख नहीं सकते। विशाल असीम स्थान जिसमें सभी खगोलीय पिंड शामिल है, उसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। ये इसका डेफिनेशन है यूनिवर्स का। दोस्तों, विशाल ब्रह्मांड में अरबों खगोलीय पिंड फैले हुए हैं, लेकिन वे अंतरिक्ष में समान रूप से विस्तारित नहीं है। अंतरिक्ष में अनगिनत तारे विशाल समूह बनाते हैं। एक अरबों तारे हो सकते हैं, एक समूह में अरबों तारे हो सकते हैं। एक समूह के सभी तारे गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। अर्थात गैलेक्सी एक धूल के विशाल संग्रह के साथ अरबों तारों का इतना बड़ा समूह गैलेक्सी कहलाता है। ये गैलेक्सी का फुल डेफिनेशन है। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि गैलेक्सी क्या है। मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में जानते हैं। दोस्तों, मिल्की वे गैलेक्सी का फैलाव 100,000 लाइट ईयर तक है। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में 2 कॉमन आर्म हैं, फर्स्ट कॉमन आर्म एंड सेकेंड कॉमन आर्म। ये आपको याद रखना है। दोस्तों, मिल्की वे गैलेक्सी एक हल्की सफ़ेद पट्टी जो फैली हुई है। यहाँ आपको सफ़ेद पट्टी दिख रही होगी, ये फैली हुई है हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी स्पिरल शेप के हैं। दोस्तों, इसके मध्य क्षेत्र में एक बार है, सेंट्रल बार इसको कहते हैं, और इसकी 2 कॉमन भुजाएं हैं जो मैं आपको पहले ही बता दिया था। और दोस्तों, इस 2 कॉमन आर्म के बीच एक ऑर्नियन आर्म है जहां हमारे सौरमंडल स्थित है। दोस्तों, अधिक संभावना है कि हमारे आकाशगंगा में अरबों सौरमंडल हैं और अरबों आकाशगंगा ही इस ब्रह्मांड में। दोस्तों, यह गैलेक्सी की इन्फॉर्मेशन कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।